भारतीय इतिहास के दो महान सेनापति जिन्होंने अपने राजा को ऐसा संरक्षण दिया जो शायद ही इतिहास में देखने को मिलता है। नंबर एक, तानाजी मालुसरे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने कोंडाणा किले की मांग की थी तब तानाजी मालुसरे शेर की तरह आगे बढ़े थे। अपने बेटे की शादी को एक और छोड़कर अपने 300 सैनिकों के साथ उन्होंने कोंडाणा किले पर आक्रमण कर दिया और कोंडाणा किले को जीत लिया। शरीर पर अनेक घाव होने के कारण वह वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद शिवाजी महाराज ने कहा था, गढ़ आला पण सिंह गेला। नंबर दो, संयम राय। पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध भूमि में घायल होकर मूर्छित पड़े थे तब युद्ध भूमि में पड़े सैनिकों का मांस खाने के लिए सैकड़ों गिद्ध उतर आए थे। पृथ्वीराज चौहान के पास उनके सेनापति संयम राय पड़े थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए अपने शरीर के मांस के टुकड़े काट कर गिद्धों के लिए फेंक दिया और अपने राजा की जान बचाई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान को तो बचा लिया लेकिन संयम राय नहीं रहे।